भारत चीन के बीच चल रहे विवाद को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से मोदी सरकार के मंत्री राहुल गांधी की आलोचना कर खुद की ही गलतियां छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उनके बयानों से ऐसा लगने लगा है कि राहुल गांधी से मोदी सरकार को अब डर लगने लगा है। लंबे समय से भारत और चीन के बीच रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं, जिसके चलते बीते दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और ट्विटर के जरिए एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो में भारत चीन के विवाद से जुड़ी कुछ मीडिया रिपोर्ट को दिखाया गया है। साथ ही उन्होंने लिखा था कि मिस्टर 56 इंच चीन से डरते हैं। इस बयान के बाद से मोदी सरकार के पसीने छूटने लगे हैं और राहुल गांधी पर ही उल्टा बयानबाजी की जा रही है। मोदी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल की आलोचना करते हुए उन्हें गैर गंभीर और पार्ट टाइम नेता बताया है। उन्होंने कहा है कि मैंने पहले भी ये कहा था कि राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, उन्हें इतिहास और भविष्य के बारे में नहीं पता है। भारत एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है, जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। राहुल एक गैर गंभीर और अंशकालिक राजनेता है। जब भी कोई गंभीर संकट होता है वो देश से बाहर जाते हैं। दो देशों के बीच संबंधों पर उनका ये बयान बचकाना और अपरिपक्व बयान है। जोशी के इस बयान में साफ झलक दिखाई दे रही है कि मोदी सरकार अब फंस गई है और राहुल के बयान ने सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। सवाल यही उठ रहा है कि कब तक भारत चीन के बीच विवाद सुलझ पाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल चीन और भारतीय सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी, उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को लेकर बातचीत शुरू हुई, लेकिन ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।